बॉलीवुड के गलियारों में आजकल जहां सनी देओल और शाहरुख खान के पैचअप की खबरें गूंज रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सनी पाजी की गदर 2 और शाहरुख की जवान का क्रेज भी लोगों को एक्साइट कर रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर कैसे कमाल दिखा रही है। वहीं फिल्म जवान की बात करें तो शाहरुख की फिल्म रिलीज होने से पहले ही लोगों में फिल्म को लेकर अलग ही एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। हाल ही में शाहरुख खान ने उनके नए दोस्त बने सनी के फिल्म गदर 2 को लेकर अपना रिएक्शन दिया था और बताया था कि उन्हें फिल्म कितनी पसंद आई है। वहीं अब गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा का फिल्म जवान के ट्रेलर को लेकर रिएक्शन आ गया है और डायरेक्टर साहब ने शाहरुख की फिल्म के ट्रेलर की काफी तारीफ भी की है। तारीफ करते हुए अनिल शर्मा ने कहा, मुझे जवान का ट्रेलर बहुत पसंद आया, मैं हमेशा से शाहरुख खान का फैन रहा हूँ। ट्रेलर में उनके लुक से मैं काफी प्रभावित हूँ, खासकर उनके गंजे लुक से, ये बेहद शानदार है, मैं उनकी फिल्म फर्स्ट डे ही देखूंगा। ये कहते हुए उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करने की इच्छा भी जता दी। उन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे कभी भी शाहरुख के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं जरूर उनके साथ काम करूंगा, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। शाहरुख एक बड़े स्टार हैं, फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं, मुझे मौका कैसे ही मिलेगा, अब ये तो शाहरुख ही जाने। लेकिन जिस तरह दोनों की फिल्म यानी शाहरुख की पठान और डायरेक्टर अनिल शर्मा की गदर 2 अब 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है, तो देखना होगा दोनों एक साथ फैंस के लिए कब साथ आते हैं। फिलहाल तो गदर 2 के सुपर डुपर हिट होने के बाद अब फैंस जवान के लिए बेकरार हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है शाहरुख की जवान सनी पाजी की गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। और ऐसे ही एंटरटेनिंग खबरों के लिए देखते रहें ENT Live।